बच्चों तुम संस्कृत की विषय को अध्ययन कर रहे हो। संस्कृत विषय के अध्ययन में दो पोर्शन हमने बार बार इसकी चर्चा किया, एक पोर्शन होता है व्याकरण, एक पोर्शन होता है गद्य और पद्य श्लोक, जिसकी व्याख्या हम कर देते हैं। उसको अब अगले चरण में हम सोच रहे हैं जूनियर स्तर के कुछ पाठों को व्याख्या करके डालेंगे, आप किताब सामने रहेगी, उसको हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे। अब यहाँ व्याकरण पोर्शन में आपको हमने इससे पिछले चरण पर आपको वचन, लिंग, पुरुष, काल के बारे में बता दिया। अब यहाँ पर हम एक कार्य बताने जा रहे हैं। इन सब का महत्व यह है कि ये सारे वचन, लिंग, पुरुष, कारक, काल मिलकर के हिंदी से संस्कृत भाषा है। भाषा हिंदी से भाषा का भाषा के बारे में आप पढ़े ही हैं। भाषा विभिन्न प्रकार की होती है। देश में कहावत है कि कोस कोस पर वाणी बंद है, दू कोस पर वाणी, वाणी माने वो भाषा, वाणी। लेकिन यहाँ जो भाषा की चर्चा की जा रही है वो संस्कृत भाषा है। अब हिंदी को संस्कृत बनाना, संस्कृत को अंग्रेजी बनाना, अंग्रेजी को हिंदी बनाना, ये सारी प्रक्रिया चलती जा रही है। अब इसमें कुछ शब्द हैं, आगे रूप के अनुसार हम आपको बता देंगे कि उनकी संस्कृत कैसे बनती है। अब जैसे पक्षी है, पक्षी संस्कृत बना दिया आपने, उसको विसर्ग लगा दिया, या पक्षी कर दिया, वृक्ष, खगा। अब घर है तो घर को सजना, गृह। ये इस तरह से संस्कृत बनती है। संस्कृत के कुछ शब्द होते हैं, अगर मान लीजिए हिंदी के शब्द हैं वो संस्कृत नहीं बन रहे हैं, तो उनको इन कारकों में भी हम प्रयोग करके उसकी संस्कृत बना देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपको कोई शब्द की संस्कृत बनाना है और वो शब्द की संस्कृत आपको नहीं आ रही है, तो इन विभक्ति में, ये जो विभक्ति का कारण है, इनके रूप में उसको जोड़ देते हैं इन चिन्हों के हिसाब से, तो ये रूप चलता है, तो उसके आधार पर वो संस्कृत हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए मार्केट, मार्केट अंग्रेजी शब्द है। मान लीजिए आपको संयोग से इसकी संस्कृत नहीं आ रही है, मार्केट अंग्रेजी शब्द है, इसकी संस्कृत नहीं आ रही है, और आ गया कि वह बाजार से आता है, तो अब आपके सामने यह देख रहे होंगे तृतीया में से निकल रहा है। तृतीया में ही रूप अगर आपने बना दिया मार्केटेन, तो वो बाजार से हो जाएगा। इसका प्रयोग इसी के रूप में हम करते हैं, इसे उस तरह से कहते हैं अनुवाद। अनुवाद के कई नियम होते हैं, वो अभी आपको बहुत जानने की जरूरत तो है, लेकिन जब इन चीजों को आपको समझ में आ जाएगा तब उसको समझना और पढ़ना करना सभी आसान होगा। अब यहां कारक, जिसको हिंदी में कारक कहते हैं उसी को संस्कृत में विभक्ति कहते हैं। विभक्ति में एक क्रम चलता है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, छठवीं, सप्तमी और संबोधन। यहां दोनों स्थिति, हिंदी में भी वही कहा जाता है और संस्कृत में भी वही कहा जाता है संबोधन। अब वही हिंदी में होता है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। अब यह उसी तरह की बात हो गई कि हम पहचानेंगे कैसे, भाई कौन कर्ता है, कौन कर्म है, कौन करण है, कौन संप्रदान है, यह पहचानना कठिन हो जाता है थोड़ा सा। तो उसकी पहचान हम आपको बताते हैं कि जब किसी शब्द को प्रथमा विभक्ति में रख दिया जाए, जैसे बालक, बालको, बालका, तो यहाँ साफ लिखा है प्रथमा विभक्ति, इसको कर्ता कारक कहते हैं हिंदी में, और इसका चिन्ह ने होता है। अब ने होता है, अब कभी कभी हमने चर्चा इस पर थोड़ा सा कहा कि बालक एक शब्द है, मान लीजिए संस्कृत उसका बालक हिंदी है, या लड़का हिंदी है तो उसका संस्कृत हो गया बालक या बालक। लेकिन ये इसके लिए 24 शब्द क्यों प्रयोग किया गया? एक शब्द की संस्कृत बनाने के लिए 24 शब्दों को लिखना है, बालक, बालको, बालका, बालकम, बालक, बालकान, बालके, बालका, भ्याम, बालकई, बालका, बालका, भ्याम, बालके, बालक से बाल, इस तरह से ये 24 क्यों लिखना पड़ता है? तो यह मैं यहाँ पर एक चीज कन्फर्म कर दूं कि ये जो ने है इसके आगे आप बचा जो पढ़ चुके हैं। अब बालक में, दो बालक में
और सभी बालक ने संस्कृत में कहना है, तो अब हिंदी में आपने कहा एक बालक ने, दो बालक ने, सभी बालक ने, अब इसको आप कह देंगे बालक, एक बालक हो जाएगा, दो कह देंगे बालको, तो दो बालक और बालका सभी बालक। तो यह चिन्ह हिंदी में लिखा जाता है लेकिन संस्कृत में इसे विभक्ति के साथ प्रयुक्त हो जाता है, बालका बालको बालका, इसका अर्थ यही हुआ। तो कर्ता कोई भी शब्द रूप अगर प्रथमा विभक्ति में है तो यह जानिए प्रथमा विभक्ति का पहचान एक दो रूप आपको याद करना पड़ेगा, जैसे अहम आवाम मयम, त्वम युवाम जुयम, सहते, इसको देख करके तो आपको यह जान लेना चाहिए कि वह शब्द अगर प्रथमा विभक्ति में है तो वो कर्ता कारक है, और प्रथमा विभक्ति में तीन वचन होते हैं तो तीनों में पहला जो है एक वचन होगा, दूसरा दो वचन होगा, अंतिम बहुवचन होगा, कर्ता होगा। लेकिन कर्ता होता कौन है, वो तो कर्ता कारक हो गया, कर्ता होता कौन है, कर्ता वह होता है कार्य करने का वाला कर्ता होता है, जैसे बालक जाता है, एक उदाहरण बालक जाता है, तो बालक ये कर्ता हो गया, कौन जाता है, हम कौन लगाएंगे तो उसका उत्तर आएगा बालक, और जाता है क्रिया हो गई। अब इसी तरह से बालक विद्यालय को जाता है, अब कर्म में देखिए बालक विद्यालय को जाता है, बालक क्या हो गया कर्ता, कौन जाता है विद्यालय को जाता है, इसका चिन्ह को है, कहां जाता है विद्यालय को जाता है, तो बालक विद्यालय को जाता है। अब इसमें दो शब्द आ गए, पहला कर्ता हो गया बालक और विद्यालय कर्म हो गया, इसका चिन्ह को होता है, बालक विद्यालय को, विद्यालय साइकिल से जाता है, विद्यालय को नहीं, हिंदी में बोलेंगे तो ठीक है लेकिन अगर संस्कृत में बोलेंगे तो बालक विद्यालयम साइकिलेन द्विचक्रेण साइकिलेन, तो अब साइकिलेन जो हो गया वो करण कारक हो गया, इसका चिन्ह होता है से के द्वारा, बालक विद्यालय साइकिल द्वारा जाता है या साइकिल से जाता है, अगर ये सिंह से चिन्ह मिलता है तो ये करण होता है जिसे हम तृतीया विभक्ति कहते हैं। अब कहीं लिखा हो साइकिलेन, ये तृतीया हो गया, अब जैसे रामेण, ये तृतीया हो गया, तो अगर यह तृतीया विभक्ति का शब्द एक वचन का हो तो एक वचन होगा, दो वचन का हो तो दो वचन होगा, दो दो बालक दो साइकिल से जाते हैं, बहुत से बालक साइकिल से जाते हैं तो साइकिल, तो ये बहुवचन हो जाएगा। इस तरह से आपको यह तीन तो कंफर्म हो गया कि कर्ता जो होता है प्रथमा विभक्ति होती है को के द्वारा चिन्हा जाता है, कर्ण विद्यालय, अब इस वाक्य को हमने बोला वाक्य ही पहले समझिए, बालक विद्यालय जाता है, बालक विद्यालय साइकिल से जाता है, बालक विद्यालय पढ़ने के लिए जाता है, हम अभी हिंदी बोल रहे हैं, अब यहाँ पर धातु लगा करके पढ़ना हो जाएगा, बालक विद्यालय साइकिल से पढ़ना है, लेकिन बालक पढ़ने के लिए जाता है, तो अब पढ़ने के लिए में चतुर्थी होता है, चतुर्थी हो जाएगा, ये संप्रदान कारक का पहचान होता है, बालक विद्यालय साइकिल से पढ़ने के लिए जाता है, जाता हमने एक बार बता चुके हैं कि क्रिया है, इस नाते हो गया, बालक घर से, बालक विद्यालय साइकिल से पढ़ने के लिए घर से जाता है, अब यहां देखिए अलग कहां से अलग होता है, घर से अलग होता है, तो क्रियात, अब पंचमी में बालकात होता है तो क्रियात हो जाएगा, तो अब यहां बालक, अब यहां से अलग होना, कहीं ऐसा वाक्य हो वो घर से जाता है, स्कूल से आता है, बाजार से जाता है, ये ऐसे अलग होने का संबंध हो, लेकिन वो फिर जाता है फिर आता है, तो ऐसी स्थिति में अपादान या पंचमी होता है, खष्टी संबंध का। अब इसमें आपको नौ चिन्ह है, का की
काकी के रानी ने नानी ने। अब कोई ऐसा वाक्य है जिसको कहते हैं संबंध, हमका काल आया, हमका अनिष्टा का प्रयोग हो गया, हमके पैसा चाहिए, हमको एक कपड़ा चाहिए। जब हम इस बात को बोलते हैं, हम शुद्ध हिंदी नहीं बोल रहे हैं, तो ऐसे में जब कहा कह कि अब कोई बोला हम ही के डाल डाला, तो हम ही के की आ गया, तो ये हमारे हमारा हमारे हमारी हमना हमने हमनी, अगर इसमें से कोई भी चिन्ह नौ में से आता है तो ऐसे चिन्ह षष्ठी विभक्ति के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। इसको हम कहते हैं हिंदी में संबंध कारक। अब उदाहरण के लिए हमने बताया कि अब यहां से आपने एक वाक्य देखा, विद्यालय साइकिल मोहन विद्यालय साइकिल से पढ़ने के लिए घर से और खेलने के लिए भी जाता है। खेलने के तो खेलनस फिटनेस, अब खेलने के यहां आ गया, अब आप देख रहे हैं के आ गया, वह खेलने के लिए भी जाता है, तो यहां संबंध कारक हो गया। और अधिकरण हम में पर किसी वाक्य में ऐसे कारक मिलते हैं या ऐसी चिन्ह मिलते हैं, जैसे मुझ पर मई, तुम पर त्वई, उस पर, तो इन सब में सप्तमी का प्रयोग हो जाता है। जैसे बालक की सातवीं लाइन में आप प्रयोग करेंगे तो उसमें मैं पर आखिर सप्तमी लाइन में चिन्ह होता है मैं पर, इसे हम अधिकरण कहते हैं, सप्तमी का चिन्ह होता है। सातवीं लाइन का अर्थ होगा बालक का ही, बालक पर, दोनों बालक पर, सभी बालक पर, या बालक में अच्छे गुण है तो भी सप्तमी का प्रयोग हो जाएगा। बालक में अच्छे गुण है तो दोनों बालक में अच्छे गुण है, सभी बालकों में अच्छे गुण है, ये में चिन्ह आता है, तो इसमें सप्तमी का प्रयोग कर दिया जाता है। असंबोधन या विस्मयकारी होता है, आश्चर्यकारी होता है, हे भो अरे शब्द जहां पर प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग जैसे अस्मत में नहीं होता है, जुस्मत में भी नहीं होता है, ये शब्द रूप में पाए जाते हैं, जैसे हे रामा, हे बालका, हे रामा, हे राम, हे दोनों राम, हे सभी राम, ये आश्चर्यकारक शब्द होते हैं। यह प्रथमा विभक्ति के जगह पर जो होते हैं उन्हीं में केवल बोला जाता है, लग जाता है, केवल शब्द वही रहते हैं, हे अरे भो हो जाता है, जैसे रामा रामो रामा, हे राम, हे रामो हे रामा, ये संबंध कारक का चिन्ह होता है। इस प्रकार से प्रथमा से लेकर के संबोधन तक उपयोगी सप्तमी है, संबोधन भी है, लेकिन इन सब के चिन्ह के ही आधार पर शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और इनको शब्दों का जब हम प्रयोग कर देते हैं तो यह हमें संस्कृत में वो शब्द कन्वर्ट हो जाते हैं, संस्कृत रूप में वो बदल जाते हैं। इस नाते हम सबको यह याद हो जाना चाहिए, सभी लोग इसे नोट करके इसे एक से दो दिन में याद करके लिखने का अभ्यास कर लेंगे। प्रथमांकर्ता ने तृतीयाकरण को तृतीयाकरण से द्वारा चतुर्थी के लिए संप्रदा से अलग होना और षष्ठी संबंध कारक का के रारी रे सप्तमी अधिकरण में पर भी एक शब्द आता है, में पर पर, और संबोधन हे अरे भो, तो इस तरह से इस चिन्ह का उपयोग आप जान गए होंगे। यहाँ पर हमें सबका परिचय भी दिया है, जैसे पहला वाक्य अतुल ने विहार कर लिया, अब इनने तो अब अतुल दोनों अतुल ने कांक्रीकार कर लिया, तो अतुल अतुल गृहम किसको कर लिया, गृह कार्य को, यहाँ द्वितीय मिला है क्रम, तो हो जाएगा अतुल गृहम कार्यम, अब कर लिया, कर लिया क्या होता है,
एक क्रिया है सोना बैठना खाना, तो कर लिया वर्तमान काल है। इस नाते करोत कुरत पूर्वंत एक वचन है, इस नाते हो जाएगा अतुल गृहम कार्यम करोत, अतुल ने भी कार्य कर लिया। सागर अब यहां जैसे तृतीय का चिन्ह में लिख दिया है सागर कक्षा से निकला, अब सागर प्रथमा एक वचन है हो जाएगा सागर कक्षा से कक्षेन कक्षेन कक्ष से निकला निसर या गच्छत, निकलने की संस्कृत होती है जाने की संस्कृत होती है। यहां जैसे अब निकला नदी है तो निसर्ग हो जाएगा लेकिन वो जा रहा है, इस नाते यहाँ गच्छ धातु का प्रयोग किया जाएगा गच्छत निकला अगच्छत, क्योंकि भूतकाल है निकल नहीं रहा है निकलेगा नहीं निकला, और वर्तमान काल है तो गच्छत। अब इस तरह से आप देख रहे होंगे कि आपके सामने जो लिखा गया कर्म में राम ने राजू को पढ़ाया, अब राम ने ये प्रथमा हो गया, राजू को द्वितीय हो गया, राजू या राजू द्वितीय हो जाएगा दोनों राजू को, तो राजू राजो राजू मम राजवा, इस तरह से यह रूप चलता है। उस रूप में हम रख देते हैं तो उसका संस्कृत हो जाता है। अब अंकित ने पेंसिल से लिखा, अंकित ने अंकिता प्रथमा हो गया, पेंसिल से पेंसिलेन और पेंसिलिन पेंसिलेन माने पेंसिल से लिखा, और लिखत क्योंकि लिख नहीं रहा ये न लिख रहा है न लिखेगा, लिखा मतलब लिखा था भूतकाल में चला गया। तो अब इसका हम प्रयोग आपको यहाँ पर समझाए हैं, आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। और इसमें दो चीजें होती हैं, शब्द में तो शब्द की संस्कृति सीधे हम खोलते हैं, चलना गच देखना पस सुनना श्रेयक, और शब्द रूप में ये आठ होते हैं, इन चिन्हों के आधार पर उस शब्द में हम क्या कर लें, जैसे हम कह दें हमारे लिए मह्यम, तुम्हारे लिए तुभ्यम, उसके लिए तस्मै, तो इस तरह से मुझ पर मई या मुझ में तब भी मई हो जाएगा। एक ही शब्द में ये तीनों अब मुझ में मुझ दोनों में मुझ सब पर, इस तरह से इसका अर्थ निकलता है और इसका प्रयोग किया जाता है। हमने बार बार कहा कि शब्दों का जो रूप है वह तो आप संस्कृत रखते ही है लेकिन इनका उपयोग तभी हम कर पाते हैं जब ये चिन्ह हमें याद हो। हमने एक बार पढ़ के और बताया था किसी रूप को संस्कृत से हिंदी बनाना, अब जैसे कोई रूप है उदाहरण के लिए रमा शब्द बालिका का रूप है, तो रमा ने दोनों रमा ने सभी रमा ने रमा को दोनों रमा को सभी रमा को रमा से दोनों रमा से सभी रमा से रमा के लिए दोनों रमा के लिए सभी रमा के लिए, इस तरह से इसका अर्थ निकलता जाएगा। और यहाँ पर जैसा शब्द बोला जाता है हिंदी में उसको इस रूप में हम रख देते हैं, इस प्रथमा के या विभक्ति के साथ हम उस ढांचे में फिट कर देते हैं तो वह उसकी संस्कृत हो जाती है।